क्राइम ब्रांच और पुलिस संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीएल सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की और एक आरोपी को हिरासत में लिया। सट्टा किंग राधेश्याम सभी मौके से फरार हुआ है। वधार एसपी वीरेंद्र कुमार सिंह को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि मनावर थाना अंतर्गत एक भैंस के तबेले में आईपीएल का सट्टा चल रहा है, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रूपेश द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा और क्राइम ब्रांच प्रभारी संतोष कुमार पांडे के साथ मनावर थाना पुलिस ने दबिश की और मौके से करोड़ों का हिसाब भरा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो धार पुलिस की सफलता जो आईपीएल से संबंधित सट्टा है उसको जो पकड़ने में ली गई है उसको लेके ली जा रही है। यहाँ दो जगह पर, पहला मनावर और दूसरा पीतमपुर में जो बड़े सटोरिये हैं उनको पकड़ा गया है। ये दोनों ही मामले क्रिकेट बैटिंग को लेकर हैं। मनावर में राधेश्याम सिरवी जो बड़ा सटोरिया है वो मोहन परमार के घर पर सट्टा करवा रहा था। वहाँ से एक टीवी, एक लिनोवो लैपटॉप और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। और जिन जिनको पकड़ा गया है वो भूपेंद्र पाटीदार है और राजा है, और इसी में जो सावन है जो वहीं का रहने वाला है सिंघाना चौकी का, वो फरार है। जबलपुर के रहने वाले कैंसर पीड़ित अरविंद मिश्रा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच इच्छा मृत्यु की मांग की है। अरविंद मिश्रा ने सेवा सहकारी समिति बखेड़ा चरगवा के अध्यक्ष अनिल गोटिया और इनके सगे भांजे अनिश मिश्रा पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। मिश्रा ने कहा कि विगत 4 वर्षों से वेतन भुगतान